वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज 28 सितंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है माइक्रो आरएनए के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने माइक्रो आरएनए और एमआरएनए के कुछ छोटे स्टैंड की पहचान की है जो कैंसर से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। माइक्रो आरएनए क्या होता है? तो माइक्रो आरएनए एक गैर कोडिंग आरएनए का एक वर्ग है जो जीन अभिव्यक्ति को नियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीन अभिव्यक्ति से तात्पर्य यह है कि ये कोई विशेष जीन किसी विशेष समय या अपने प्रोटीन की बहुत अधिक या बहुत कम या सामान्य मात्रा बना रहा है। एमआरएनए के अणु कोशिकाओं और रक्त प्रवाह में पाए जाते हैं। वे आमतौर पर लगभग 21 से 24 न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं जो उन्हें मैसेंजर आरएनए में बहुत छोटा बनाते हैं। जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देश देते हैं उनका छोटा आकार उन्हें विशिष्ट लक्ष्य एमआरएनए से जुड़ने की अनुमति देता है। एमआरएनए जीन अभिव्यक्ति को कैसे नियंत्रित करता है? तो एमआरएनए मुख्य रूप से कोशिका या कोशिका द्रव्य में मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़कर जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है। प्रोटीन में तुरंत अनुवादित होने के बजाय चिन्हित एमआरएनए को या तो नष्ट कर दिया जाएगा और या उसके घटकों को पुनर्वीकरण किया जाएगा या इसे बाद में संरक्षित और अनुवादित किया जाता है। इसके लिए यदि किसी विशेष माइक्रो आरएनए का स्तर कम अभिव्यक्त होता है तो कोशिकाओं में इसका स्तर असामान्य रूप से कम होता है या जिस प्रोटीन को एक कोशिक सामान्य रूप से नियंत्रित करता है वह अति अभिव्यक्ति हो सकता है। कोशिकाओं में इसका स्तर असामान्य रूप से उच्च होगा। यदि माइक्रो आरएनए अति अभिव्यक्ति करता है तो इस स्तर पर सामान्य रूप से उच्च है तो इसका प्रोटीन अल्पभिक्त होगा। इसका स्तर सामान्य रूप से इसका तो कम होगा। इसके जैविक कार्य क्या होते हैं? तो ये विकास, कोशिका और विभेदन, प्रसार और एप्टोसिस जैसे क्रमादेशित कोशिका जो मृत कोशिका सहित विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। या वे सेलुलर होमोयोटेस्टिस को बनाए रखने और पर्यावरण संकेतों का जवाब देने में शामिल हैं। रोग के नीज के निहितार्थ क्या हैं? तो एमआरएनए अभिव्यक्ति के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कई प्रकार की जैविक प्रक्रियाओं से जुड़े जीन की प्रोफाइल में परिवर्तित हो जाता है जो कई मानव विकारों में योगदान देता है। मानव तरल पदार्थ में उच्च स्थिरता के कारण परिसंचरण में एमआरएनए को निदान के साथ साथ रोग और पूर्वानुमान के लिए आशाजनक बायोमार्कर माना जाता है। तो देख लेते हैं आरएनए क्या है। तो आरएनए या राइबोन्यूक्लिक एसिड एक अणु है जो विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं में केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह विशेष आनुवांशिक जानकारी के हस्तांतरण और प्रोटीन के संश्लेषण में कई मायनों में डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के समान एक माइक्रो मॉलिक्यूल है, लेकिन इसका संरचना और कार्यों में भिन्न है। आरएनए डीएनए की तरह ही न्यूक्लियोटाइड इकाइयों से बना होता है। हालांकि ये डीएनए के विपरीत आरएनए अक्सर एकल जोड़े में फंसे हुए होते हैं। इनका कार्य क्या होता है? तो आरएनए प्राथमिक कार्य इसका डीएनए से आनुवांशिक जानकारी पहुंचाना और प्रोटीन के संश्लेषण को निर्देशित करने के लिए उस जानकारी का उपयोग करना। इस प्रक्रिया में ट्रांसक्रिप्शन शामिल है जहां एक पूरक आरएनए स्ट्रैंड के लिए डीएनए टेम्पलेट के आधार पर संश्लेषित किया जाता है और ट्रांसलेशन है जहाँ आरएनए में इनकोड की गई जानकारी का उपयोग प्रोटीन में अमीनो एसिड के विशिष्ट अनुक्रम को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। एमआरएनए के बारे में मुख्य तथ्य क्या है? तो ये मैसेंजर आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में शामिल एकल यानी फंसे हुए आरएनए का एक प्रकार है। प्रतिलेखन यानी प्रतिक्रिया के दौरान एमआरएनए एक डीएनए टेम्पलेट बनाता है। एमआरएनए की भूमिका कोशिका के केंद्रक डीएनए से प्रोटीन की जानकारी को कोशिका के साइटोप्लाज्म यानी पानी वाले अतिरिक्त भाग तक ले जाना है जहां प्रोटीन बनाने वाली एक मशीनरी एमआरएनए के अनुक्रम को पढ़ती है और प्रत्येक प्रोटीन श्रृंखला में 3 बेस कोड को बढ़ते हुए उसके संबंधित अमीनो एसिड में अनुवादित करती है।
तो एमआरएनए वास्तव में न्यूक्लिक एसिड का एक रूप है जो मानव जीनोम जो डीएनए में कोडित है को सेलुलर मशीनरी द्वारा पढ़ने या जानने में मदद करता है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में। तो अभी हाल ही में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने घोषणा की है कि प्रसिद्ध अभिनेत्री सुश्री वहीदा रहमान को 2021 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार और इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये एक सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। याद रखना, सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। इसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित संगठन फिल्म महोत्सव निदेशालय द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समूह में प्रस्तुत किया जाता है। प्राप्तकर्ता को भारतीय सिनेमा में वृद्धि और विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पहचाना जाता है। ये पुरस्कार एक स्वर्ण कमल पदक, एक शॉल, 10 लाख रुपये का नगद पुरस्कार शामिल है इसके साथ। ये पुरस्कार भारत सरकार द्वारा भारतीय सिनेमा में दादा साहब फाल्के के योगदान को मनाने के लिए शुरू किया गया था, जिन्हें लोकप्रिय रूप से भारतीय सिनेमा का पिता यानी भारतीय सिनेमा का जनक के रूप में जाना जाता है। अक्सर माना जाता है इसे पहली बार 1969 में प्रस्तुत किया गया था। पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता अभिनेत्री दीपिका रानी, जो भारतीय सिनेमा की फर्स्ट लेडी थी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है बालसम। तो बालसम के बारे में क्या देखते हैं थोड़ा। तो आइए देखते हैं बालसम क्या है। अभी हाल ही में पर्यटकों के लिए एक दृश्य दावत प्रस्तुत करते हुए मुन्नार में बालसम इम्पेटिन्स पूरी तरह से खिले हुए हैं। बालसम के बारे में, तो इन्हें स्थानीय रूप से कसीथुम्बा और उन्ना उन्ना पोबू कहा जाता है। ये परिपक्व बीजों से फूटने और बीज वितरण के कारण टच मी नॉट के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें आमतौर पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें बालसम, टच मी नॉट और ज्वेल ज्वेल बीड आदि शामिल हैं इसके नामों में। इनका वितरण कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। और ये मुख्य रूप से भारत, चीन, अफ्रीका, यूरोप के उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। भारत में 220 बालसम प्रजातियों का घर है, जिसमें से 135 दक्षिणी पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत अनायमुड़ी है और आसपास की ऊंची पर्वतमालाएं जंगली बालसम की विविधता के लिए जानी जाती हैं। बालसम का सामान्य जीवन चक्र जून से दिसंबर तक होता है। यह पौधा मुख्य रूप से वन क्षेत्रों के अंदर उगता है। ये मानसल ओरोफाइटिक जड़ी बूटी आमतौर पर आर्द्र आवास के लिए को पसंद करता है और ये बरसाती मौसम में अपना जीवन चक्र को पूरा करती है। ये जलवायु परिवर्तन के लिए एक प्रमुख सूचक प्रजाति मानी जाती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य यह एक विशाल शुष्क क्षेत्र में फैला हुआ नखलिस्तान जैसा है, जिसमें कल्याण कर्नाटक के 7 उत्तरी पूर्वी जिले शामिल हैं। आइए देखते हैं। तो यह एक कलाबुरागी जिले में चंद्रमपल्ली बांध के पास स्थित है। इसे 2011 में अभयारण्य घोषित किया गया था। यह दक्षिण भारत का पहला शुष्क भूमि वन्यजीव अभयारण्य है। यह हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र में सुप्रसिद्ध पुष्प विविधता वाला एकमात्र क्षेत्र है। यहाँ पर वनस्पतियों में अभयारण्य के केंद्र में अच्छे शुष्क पर्णपाती और नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं और किनारों पर बबूल और सागौन के बागान हैं और अन्य वनस्पति औषधियों में जड़ी बूटियों पेड़ के अलावा लाल चंदन और सिंपल साधारण चंदन की जैसी प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। और लाल चंदन सिर्फ कर्नाटक में ही पाया जाता है, पूरे देश में। जीव जंतुओं में यहाँ पर काला हिरण, हिरण, आम लोमड़ी, 4 सींग वाला मृग, फल, चमगादड़, लकड़बग्घा, भारतीय भेड़िया आदि का घर है। पक्षियों की यहाँ पर 35 प्रजाति से अधिक प्रजातियाँ, जिसमें से ब्लैक डोंगरू, ब्लैक विंग काइट, ब्लाजम, पैराकीट, ब्लू पिजन, ब्लैक शामिल हैं। इस अभ्यारण्य में सिर वाले ओरियोल और ग्रे पार्टीज भी पाए जाते हैं। स्थानीय जनजातियों में चिंचोली, लंबानी, डांडास का भी घर है, जो एक संरक्षित आदिवासी समुदाय है जो प्रकृति के साथ जंगलों में रहता है। अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन के बारे में। अभी अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन ने भारतीय कॉफ़ी बोर्ड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, कर्नाटक सरकार के सहयोग से बेंगलोर में 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। अभी ये चर्चा में आया है, तो आइए देखते हैं।
इसकी स्थापना 1963 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में 1962 में पहले अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी सम्मेलन के अनुमोदन के बाद की गई थी। ICO कॉफ़ी के लिए एकमात्र अंतर सरकारी संगठन है जो निर्यात और आयात वाले करने वाली सरकारों का एक साथ लाता है। यह वर्तमान में कॉफ़ी उत्पादन का 93% और विश्व खपत का 63% का प्रतिनिधित्व करता है। संगठन का मिशन इसका काफ़ी क्षेत्र में मजबूत करना और वैश्विक कॉफ़ी मूल्य श्रृंखला में सभी कलाकारों के लाभ के लिए बाजार आधारित वातावरण इसके स्थायी विस्तार को बढ़ावा देना है। सदस्य देशों में इसके सदस्य देश हैं 49, इसमें 82 कॉफ़ी निर्यातक और 7 आयातक, टोटल 49 देश शामिल हैं। भारत भी इसका संगठन का सदस्य है। कॉफ़ी की खेती के बारे में कुछ मुख्य तथ्य जान लेते हैं। तो यह दुनिया के अधिकांश कॉफ़ी में 2 प्रजातियां शामिल हैं, इसमें कॉफ़ी अरेबिका और कॉफ़ी कैनेफोरा या रोबस्टा। कॉफ़ी का उत्पादन के लिए आवश्यक जलवायु परिस्थितियाँ कैसी होनी चाहिए? तो इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। इसका तापमान लगभग 15 डिग्री से 28 डिग्री के बीच होना चाहिए और वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और मिट्टी में अच्छी जल निकासी वाली, मतलब ढलान वाली दोमट मिट्टी, जिसमें पर्याप्त मात्रा में ह्यूमरस और आयरन की और कैल्शियम जैसे खनिज हों, यह कॉफ़ी की खेती के लिए आदर्श यानी उचित मिट्टी मानी जाती है। ये आमतौर पर छायादार पेड़ों के नीचे उगाया जाता है। जामुन के पकने के समय शुष्क मौसम आवश्यक है, जो इसका जब पकने का समय होता है तो शुष्क मौसम आवश्यक है। कॉफ़ी ये समुद्र से लगभग 600 से 1600 मीटर ऊंचाई पहाड़ी ढलानों में उगाया जाता है। भारत में कॉफ़ी वाले राज्य जो मेन हैं उसमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, जिसमें कर्नाटक कुल उत्पादन का 70% से अधिक कॉफ़ी उत्पादन करता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ट्रिप योजना के बारे में, तो आइए देखते हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार ने फार्मा मेडटेक सेक्टर के अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए योजना प्रिप योजना शुरू करी है। इस योजना का उद्देश्य देश में अनुसंधान बुनियादी ढांचा को मजबूत करना और भारतीय फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में को लागत आधारित, नवाचार आधारित और विकास में बदलाव लाना है। इसका उद्देश्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान विकास के लिए उद्योग अकादमिक जुड़ाव बढ़ावा देना, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान की संस्कृति को विकसित करना और हमारे वैज्ञानिकों के समूह का पोषण करना। इसके निरंतर वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा, जिससे देश में गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन के लिए योगदान होगा। इसकी समय अवधि 5 वर्ष है, जो 2023-24 से 27-28 तक रहेगी। इस योजना के 2 घटक कौन कौन से हैं? तो घटक ए में देखते हैं तो ये राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, इसमें 7 उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना करके अनुसंधान बुनियादी ढांचा को मजबूत करना और ये COE 700 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ पूर्व चिन्हित क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे। घटक बी में रासायनिक इकाइयों, इसमें बायो सिमिलर सहित जटिल जेनेरिक चिकित्सा उपकरणों, स्टेम सेल थेरेपी और अनाथ जैसे जो दवाओं में एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध आदि जैसे 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अनुसंधान को प्रोत्साहित करके फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देगा। उद्योगों में MSME, SME सरकारी संस्थानों के साथ 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 करने वाले स्टार्टअप और इन हाउस और अकादमिक अनुसंधान दोनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस घटक का वित्तीय परिव्यय 4250 करोड़ रुपये होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के बारे में। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, ये चंडीगढ़ बेंच बार एसोसिएशन हाल ही में एक न्यायिक सदस्य को शहर से कोलकाता स्थापित करने के AFT अध्यक्ष के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया है। देख लेते हैं सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ये भारत में एक सैन्य न्यायाधिकारी जिसे 2009 में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के तहत स्थापित किया गया था। इसके कार्य क्या है? तो ये सेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957 और वायुसेना अधिनियम 1950 के अधीन व्यक्तियों के संबंध में आयोग की नियुक्तियाँ, नामांकन और सेवा शर्तों के संबंधों के विवाद और शिकायतों का निर्णय या परीक्षण के लिए प्रावधान करना है। उक्त न्याय अधिनियमों तथा के तहत आयोजित कोर्ट मार्शल आदेशों, निष्कर्षों या सजाओं के उत्पन्न होने वाली अपील से उससे जुड़े या उसके आकस्मिक मामलों के लिए प्रदान करना है। यह कोर्ट मार्शल के निष्कर्ष में इसमें उचित पाए जाने वाले ट्रिब्यूनल अपील को खारिज कर सकता है।
ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध किसी व्यक्ति द्वारा की गई कोई भी अपील सर्वोच्च न्यायालय के में ही सजा दी जा सकती है। बेंच में इसकी प्रधान बेंच नई दिल्ली और 8 क्षेत्रीय बेंच जयपुर, चंडीगढ़, लखनऊ, गुवाहाटी, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि और मुंबई में हैं। संगठन में इसमें प्रत्येक में पीठ में एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य शामिल होगा। न्यायिक सदस्य सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं और प्रशासनिक सदस्य सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त सदस्य होते हैं जो 3 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए मेजर जनरल के समकक्ष या उसके ऊपर के पद पर रहे हों। जज एडवोकेट जनरल जिन्होंने कम से कम 1 वर्ष तक नियुक्ति की है वे भी प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने के हकदार हैं। इनकी कार्यप्रणाली क्या है? तो ये अपनी कार्रवाई सशस्त्र बल ट्रिब्यूनल नियम 2018 के अनुसार करेगा। ट्रिब्यूनल में सभी कार्रवाई अंग्रेजी में होगी। ट्रिब्यूनल आमतौर पर उस प्रक्रिया का पालन करेगा जैसा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालयों में प्रचलित है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ट्राजिटिंग एक्सपो प्लेनेट सर्वे सेटेलाइट के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में नासा के ट्राजिटिंग एक्सप्लो प्लेनेट सर्वे सेटेलाइट का उपयोग करते हुए खगोलविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने अभी हाल ही में एक दूर के तारे की परिक्रमा करने वाले एक नए एक्सोप्लेनेट का पता लगाया है। ट्राजिटिंग एक्सोप्लेनेट सर्वे सेटेलाइट क्या होता है? तो आइए देख लेते हैं। ये आसपास के चमकीले सितारों के आसपास एक्सोप्लेनेट की खोज करने वाले नासा का एक मिशन है। इसे 18 अप्रैल 2018 को कैप कैनावेरल में स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर लॉन्च किया गया था। TESS 12 से 15 दिनों तक की ये अद्वितीय उच्च पृथ्वी कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है और जो इस तरह से झुका हुआ है कि दूरबीन का आकाश दृश्य हमारे उज्जवल ग्रह और चंद्रमा द्वारा अवरोधों से काफ़ी हद तक मुक्त है। प्राइम मिशन 4 जुलाई 2020 को समाप्त हो गया और TESS अब एक विस्तारित मिशन पर है। TESS आकाशगंगा में ग्रहों की विविधता को प्रदर्शित करते हुए छोटे और चट्टानी दुनिया से विशाल ग्रहों तक के लिए ग्रह ढूंढ रहा है। एक ग्रह का पता लगाने के लिए परागमन विधि का उपयोग करता है। ये सितारों की चमक समय समय पर होने वाली गिरावट का पता लगाता है क्योंकि ये ग्रह हमारी दृष्टि रेखा के साथ सामने से गुजरते हैं। ग्रह जितना बड़ा है परागमन के दौरान चमक उतनी अधिक गिरावट इसमें होती है। किसी ग्रह को तारे के सामने से गुजरने से आपस में आने में से कितना समय लगता है यह उसे उसकी कक्षा का आकार बताता है। इस विधि से ग्रह के व्यास और उसकी कक्षा में आकार का पता चलता है। एक निश्चित सीमा के भीतर कक्षाएं रहने योग्य क्षेत्र में स्थित हैं जहां पृथ्वी जैसी दुनिया की सतह पर तरल पानी मौजूद हो सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के बारे में। तो आइए देखते हैं FCRA के बारे में। तो अभी गृह मंत्रालय ने हाल ही में एक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के तहत पंजीकृत गैर सरकारी संगठन द्वारा वार्षिक रिटर्न दाखिल करने से संबंधित नियमों में संशोधन किया है। इसमें उनके द्वारा विदेशी धन का उपयोग करके बनाई गई चल और अचल संपत्तियों का विवरण प्रदान करने के लिए कहा गया है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। ये भारत के भीतर एक गैर सरकारी संगठन और अन्य लोगों को कुछ व्यक्तियों या संघों द्वारा प्रदान किए गए विदेशी योगदान यानी विशेष रूप से मौद्रिक दान को विनियमित करने के लिए संसद में अधिनियम एक कानून बन गया है। ये अधिनियम अपने समेकित रूप से मूल रूप से 1976 में पारित किया गया था और 2010 में प्रमुख रूप से संशोधित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य विदेशी संगठनों को सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक गलत उद्देश्यों और गतिविधियों के लिए भारत में चुनावी राजनीति और सामाजिक राजनीति आर्थिक या धार्मिक चर्चाओं को प्रभावित करने से रोकना है। ये अधिनियम गृह मंत्रालय के दायरे में आता है। ये विदेशी योगदान का अर्थ है कि किसी भी विदेशी स्रोत द्वारा या विदेशी संस्था सरकार या किसी और कंपनी के द्वारा दिया गया दान वितरण या हस्तांतरण है। वस्तु जैसे किसी भी व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपहार में दी गई कोई कीमती वस्तु भी नहीं हो सकती जिसका बाजार मूल्य 1 लाख रुपये से अधिक हो। मुद्रा इसमें चाहे ये भारतीय हो या विदेशी हो इसमें कोई भी शामिल हो सकता है और किसी अन्य देश में रहने वाले भारत के नागरिक उदाहरण के लिए एक अनिवासी भारतीय जैसे NRI द्वारा सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से अपने व्यक्तिगत बचत के लिए योगदान को विदेशी योगदान के रूप में नहीं माना जाएगा।
विदेशी अंशदान कौन प्राप्त कर सकता है? तो इसमें कोई भी विदेशी योगदान प्राप्त कर सकता है, बशर्ते वो व्यक्ति एक निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षणिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम करता हो। व्यक्ति को केंद्र सरकार ने FCRA पंजीकरण पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी, जिसमें व्यक्ति पर्सनल इंडिविजुअल व्यक्ति शामिल है, कोई वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, या कोई हिंदू अविभाजित परिवार, या कोई संस्था और या कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत कोई कंपनी। कोई भी इसका प्राप्त विदेशी योगदान का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए वो प्राप्त किया गया हो। मतलब अगर कोई NGO है, विदेशी धन जब ही ले सकता है जब वो उस NGO जिसके लिए बनाया गया है वो उसी के लिए खर्च करता हो। और एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त विदेशी योगदान का लगभग 20% से अधिक उपयोग प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए नहीं कर सकता। FCRA के तहत विदेशी दान प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति या NGO को भारतीय स्टेट बैंक या दिल्ली में विदेशी धन प्राप्त के लिए एक बैंक खाता खोलने की आवश्यकता अनिवार्य होगी। FCRA के तहत पंजीकरण, तो ये सभी NGO के लिए FCRA के तहत खुद को पंजीकृत करना अनिवार्य कर दिया गया है। ये आवेदक काल्पनिक या बेईमानी नहीं होना चाहिए, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि फर्जी हो। उसे अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से एक धार्मिक संस्था के दूसरे धार्मिक विश्वास में प्रलोभन या बल के माध्यम से धर्मांतरण के उद्देश्य से की गई गतिविधियों में शामिल होने के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए या दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। पंजीकरण शुरू होने के 5 साल के लिए वैध होता है और यदि वे सभी मानदंडों का पालन सही से करते हैं तो इसे बाद में भी नवीनीकृत किया जा सकता है। यदि जाँच के आवेदन में गलत विवरण पाया जाता है तो पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा और एक बार किसी भी NGO का पंजीकरण रद्द हो जाने पर वह 3 साल तक दोबारा पंजीकरण के लिए पात्र नहीं होगा। मंत्रालय के पास लंबित जांच के लिए 180 दिनों के लिए किसी भी NGO के पंजीकरण को लंबित करने और उसके फंड को फ्रीज करने की भी शक्ति है और सरकार के सभी आदेशों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो हमारे सारे आर्टिकल समाप्त हुए, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।